नमस्कार, मी कविता. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी, पाहूया शहरातील सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्टमध्ये. काही दिवसांपूर्वी सुशीला जैन, दिलाल जैन या रुग्ण कल्याण पश्चिमेतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये क्रिटिकल कंडिशनमध्ये ॲडमिट होत्या. त्यांना शुगर प्रॉब्लेम, श्वास घेण्यास त्रास, तर किडनीचा देखील त्रास होत होता. परंतु फोर्टिस हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या टीममुळे त्यांच्यापासून असणारा धोका टळला. त्याबद्दल उद्योगपती जयंतीलाल जैन यांनी सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांचे आभार मानले. डॉक्टरांनी अगदी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पत्नीचे प्राण धोक्यापासून वाचले. फोर्टिस हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचे काम हे देवदूताप्रमाणे आहे, असे सुतोवाच जैन परिवारातर्फे करण्यात आले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. अँटी करप्शन डिपार्टमेंट, टियागो, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट. मेरी मिसेज को 15 तारीख को यहाँ एडमिट किया था फोर्टिस में. एडमिट हुए तब मैं इनको जो इनके ऑब्जर्वेशन में जो मेरा चल रहा था, सुमित जी श्रीवास्तव जी, इतना बेहतरीन ढंग से मेरे को उन्होंने ट्रीट किया कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और ख़ास करके यहाँ के पूरे स्टाफ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे अच्छा कॉपरेट किया. और हर बार मेरे को पूछने को आए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं तो एक्चुअल में दिक्कत होती है तो मैं ताबड़तो मैं कंप्लेन भी करता हूँ. ऑलरेडी मैंने पहले भी एक दो टाइम यहाँ कंप्लेन कर चुका था, आज से 6-7 साल पहले. और मेरी कंप्लेन का तुरंत की उसका उत्तर मेरे को स्टैंड मिल गया था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी. इसलिए इनको मैं बोला था कि मैं कंप्लेन का मौका ही नहीं देता हूँ किसी को. और इन्होंने मेरे को इतना अच्छा ढंग से ट्रीट किया कि आज जो है मेरा पेशेंट फास्ट और रिकवर हुआ. इनकी जो नर्सें, बाकी जो भी स्टाफ है, सब डेली आके मुझे पूछते थे. और डॉक्टर साहब का तो मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है कि मैं अपने शब्दों में इनकी व्याख्या में तो यही बोलता हूँ कि इनकी सेवा लोगों को कल्याण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिलती गई. और मेरी जो है फोर्टिस हॉस्पिटल से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि कहीं कभी कोई समझो गरीब पेशेंट आता है तो उसको जहाँ जितनी हो सके अपनी तरफ से सहूलियत देवे, या कभी समझो हमारा नाम लेके भी याद देवे तो इतनी सहूलियत देवे कि वो भी खुश होकर जावे. और जो भी यहाँ से जाता है तो खुश होकर जाना चाहिए, ये मेरी दिली तमन्ना है. और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ में हमेशा मैं भी खुद बना रहता हूँ कि मेरी जो है ना मैं मेडिकल कैंप लगाते रहता हूँ. तो हमारे को भी अगर समझो कभी जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर्स की टीम हमको मिले, ऐसा मैं सोचता हूँ कि कभी समझो. एक्चुअल में मैं कल्याण मेडिकल क्लब ऑफ कल्याण के मैं मेम्बर हूँ, तो उसके हिसाब से हमारी टीम तो मजबूत है ही. लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपकी फोर्टिस की टीम हमको मिल सके तो उसके थ्रू भी हम लोग मेडिकल का अरेंजमेंट हम लोग खुद करते, मेडिसिन हम लोग खुद लाते हैं. खाली आपके डॉक्टर्स हमको सेवा के लिए कभी आपके पास अवेलेबल हुए तो हमको देना. और हम लोग स्लम एरिया में जाके हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, जहाँ यानी एक्चुअल में लोग आदिवासी पाड़े जो बोलते हैं, जहाँ किसी को कुछ भी सहायता नहीं मिलती, वो जगह पे जाके हम लोग आते हैं, ये समझो मेडिकल कैंप लगाते हैं. तो आपसे बन पड़े उतना हमको सहयोग देना. और बाकी बहुत ही अच्छा लगा हमें, इसके लिए मैं ये खाली जो हमारे जो पत्रकार लोग हैं, ये जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, और इनको मैं खास तौर पर इसके लिए बुलाया गया हूँ कि आपका नाम भी आ गया. मैं खास करके हमारे डॉक्टर साहब का कि सुमित श्रीवास्तव जी तो बिल्कुल सबसे कल्याण के अंदर है, मेरे को जहाँ तक लगा ये फील्ड में सबसे अच्छे डॉक्टर लगे मुझे, इसके लिए ही मैंने बुलाया यहाँ. इससे पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? इसके पहले मैंने कल्याण में मेरे सब एक्चुअल में दोस्त बहुत है, डॉक्टर गोविंद शर्मा है, डॉक्टर कदम है, डॉक्टर इंदर मेहता है, ऐसा मेरे और डॉक्टर एसएन सिंह है, ऐसे डॉक्टर्स बहुत है जो डेली यहाँ आते थे. वो खुद रिपोर्ट चेक करते थे, देखिए. और इंदर मेहता का तो इनसे बात भी होता था. और डॉक्टर प्रदीप जैन, ये लोग जो है ना हमारे ग्रुप में है सर. कितने दिनों में पेशेंट ठीक हुआ यहाँ? ये सब 8 दिन में पूरा पेशेंट ठीक हो गया. और नहीं तो जिस टाइम जब मैं आया था यहाँ लेके उनको, तो इतनी क्रिटिकल का यहाँ पोजिशन थी, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे को जो है ना बहुत ही वक्त लगेगा, ये होगा ही नहीं. लेकिन इनके मेहनत से, डॉक्टर श्रीवास्तव की मेहनत से और पूरी टीम की मेहनत से बहुत ही फास्ट वो लोग रिकवर हो गया. इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, कंसल्टिंग फिजिशियन फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण. हमारे यहाँ एक 7 डेज बैक, 7 दिन पहले एक पेशेंट आए थे, मिसेस सुशीला जैन. तो आए थे, उनका कंडीशन काफ़ी सीरियस था, उनको सांस की तकलीफ हो रही थी, उनको शुगर बहुत लो था, और उनको जो कंडीशन था उसमें न्यूरोलॉजिकली ब्रेन वाइज उनको ऐसा डाउट था कि उनको फिट का बीमारी है. तो आते ही उनको अर्जेंट कैजुअलिटी टीम ने एड्रेस किया, इमरजेंसी में उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा. आए तो कंडीशन काफ़ी सीरियस था, रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया था कि पेशेंट का कंडीशन बहुत सीरियस है. इमीडिएटली आईसीयू में डाल के उनको पूरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया. जब उनका टेस्ट किया तो मालूम पड़ा उनके चेस्ट में कंजेशन है, उनका क्रिएटिनिन की रिपोर्ट में थोड़ा बॉर्डरलाइन प्रॉब्लम है, WBC काउंट बहुत हाई. तब उनको सस्पिशन था कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो स्वाइन फ्लू का भी टेस्टिंग भेजा, ट्रीटमेंट सब चालू किया. 12 से 24 घंटे में पेशेंट ने सांस की तकलीफ में अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू किया था.
दूसरे दिन पे उनका वेंटिलेटर का सपोर्ट थोड़ा कम करके तीसरे दिन पे हम लोग ने उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। पेशेंट का रिस्पॉन्स शुरुआत से ही बहुत अच्छा था, लेकिन तीसरे दिन के बाद से उनका किडनी का तकलीफ थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, तो उनका क्रिएटिनिन करके लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ गया था। तब हमने रिलेटिव्स को बताया था कि अगर पेशेंट का कंडीशन बिगड़ता है तो हो सकता है डायलिसिस का नौबत आए, बट जो ICU के टीम ने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया, किडनी के स्पेशलिस्ट ने देखा, ICU में डॉक्टर संदीप पटेल और किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डोड़ेजा और मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, पूरे टीम ने उनको जो ट्रीटमेंट दिया उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फॉर्चुनेटली उनको डायलिसिस का नौबत नहीं आया। चौथे दिन पे पाँचवें दिन पे हमने रिलेटिव से एक्सप्लेन किया हम पेशेंट को ICU के बाहर वार्ड में शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो उनका WBC काउंट पूरी तरह से कम हो गया था, उनका शुगर बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल हो गया था, उनको नसीब से फिट का प्रॉब्लम नहीं आया, उनको नसीब से वेंटिलेटर का भी जरूरत नहीं पड़ा, तो ओवरऑल उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और लास्ट में उनका किडनी का जो प्रॉब्लम था उसके लिए किडनी के स्पेशलिस्ट को रेफरल वापस दिया था, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम कभी कभी सेटल होने को टाइम लगता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेशेंट को रिस्पॉन्स मिला ट्रीटमेंट का। और ये सब के पीछे डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव्स, स्पेशली उनके हस्बैंड, उनके बच्चों ने जो हमारे पर विश्वास दिखाया वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हमारा पेशेंट का कंडीशन अच्छा है। मैं डॉक्टर सुप्रिया अमैया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण की हेड हूँ। हमारी पेशेंट सुशीला जैन जब एडमिट हुए थे, डॉक्टर साहब ने आपको तो उनकी सब कंडीशन बताई है, बट हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी टीम, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग की टीम और जो हमारे बाकी सारी व्यवस्था है वो हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से दे पाए। पेशेंट का इसमें हमको कोऑपरेशन जो मिला उसकी वजह से और डॉक्टर्स की सारी मेहनत की वजह से आज शी इज़ गुड एंड शी इज़ रिकवर्ड एंड शी इज़ ऑन वर्ज ऑफ डिस्चार्ज। सो हमें बहुत खुशी है इस बात की। पूरा खराब था, पता भी नहीं था मुझे, चार दिन तक तो बिल्कुल होश भी नहीं था। उसके बाद इधर आके सब डॉक्टर ने अच्छी जानकारी, माँ बाप की देवा सेवा से सब अच्छे हो गए। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी पूरा अच्छा लग रहा है, आज ओके हो। तर या होत्या इंडियन TV न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास पुढील क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची। नमस्कार।